please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. आज चौथा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। इस मौके पर देहरादून में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोगों के बीच है और योग करेंगे। ये तस्वीरें इस वक्त आप देख सकते हैं देहरादून से, जहां पर प्रधानमंत्री मोदी लोगों के बीच पहुंचे हैं। इसके अलावा उनके साथ उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत भी मौजूद हैं। और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, लोगों को इंतजार था और अब प्रधानमंत्री मोदी भी संबोधन भी देंगे। काफी संख्या में यहाँ पर लोग पहुंचे हैं। प्रधानमंत्री लगातार लोगों से अपील करते हैं कि योग को दिनचर्या का हिस्सा बनाइए। ये मैं से हम की यात्रा है। योग हमें ताकत देता है, ऊर्जावान बनाता है। और आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर वो देहरादून पहुंचे हैं, मंच पर मौजूद हैं। उनके साथ आप हरक सिंह रावत को देख सकते हैं। मुख्यमंत्री उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को भी यहाँ पर पहुंचना है। दरअसल 2014 में ही प्रधानमंत्री ने इसका सुझाव दिया था और आज पूरी दुनिया में योग मनाया जा रहा है। चौथा अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस है। इस वक्त त्रिवेंद्र सिंह रावत भी मंच पर मौजूद हैं, जो लोगों को संबोधन देंगे। दुनिया भर में आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। पीएम मोदी देहरादून के फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट परिसर में योग कार्यक्रम में शामिल होने पहुंच गए हैं। पीएम मोदी के साथ करीब 60,000 लोग योग करेंगे। तो प्रधानमंत्री मोदी 60,000 लोगों के साथ योग करेंगे और लोगों के बीच पहुंचे हैं। पीएम मोदी ने योग दिवस से पहले एक संदेश भी दिया कि योग सिर्फ शरीर को फिट रखने वाला अभ्यास नहीं, बल्कि अच्छे स्वास्थ्य का पासपोर्ट है। फिटनेस और तंदुरुस्ती की कुंजी है। और प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी कहा कि योग केवल अभ्यास नहीं जो आप सुबह करते हैं, पूरी समझदारी और जागरूकता के साथ अपने दिन भर के क्रियाकलाप करना भी योग का ही रूप है। और इसी का संदेश देने के लिए वो इस वक्त उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में मौजूद हैं। दुनिया भर में आज योग दिवस मनाया जा रहा है। पीएम मोदी योग दिवस के मौके पर देहरादून पहुंचे हैं, तो उनकी कैबिनेट के मंत्रियों ने भी अलग अलग शहरों में मोर्चा संभाला है। गृह मंत्री राजनाथ सिंह योग दिवस के कार्यक्रम में शामिल होने उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ पहुंचे, जबकि केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी नागपुर में योग दिवस कार्यक्रम में शामिल होंगे। वाणिज्य मंत्री सुरेश प्रभु तमिलनाडु के चेन्नई में योग करेंगे। वहीं मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर मुंबई में योग करेंगे। इनके अलावा रेल मंत्री पीयूष गोयल नोएडा में योग कार्यक्रम में शामिल होंगे। साथ ही केंद्रीय मंत्री सदानंद गौड़ा गोवा में योग करेंगे और केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान बिहार के हाजीपुर में योग करेंगे। कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद पटना में योग कार्यक्रम में शामिल होंगे, जबकि स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा शिमला में योग करेंगे। वहीं केंद्रीय कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी चंडीगढ़ में योग करेंगी। कृषि मंत्री की अगर बात करते हैं तो राधामोहन सिंह बिहार की मोतिहारी में योग कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। राजस्थान के कोटा में रामदेव योग करवा रहे हैं। राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने रामदेव के साथ योग किया। योग गुरु रामदेव ने दावा किया कि वो एक साथ 100 रिकॉर्ड बनाएंगे।